एक बार उद्धव ने कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, जब द्रौपदी लगभग अपना शील खो रही थी, तब आपने उसे वस्त्र देकर द्रौपदी के शील को बचाने का दावा किया। लेकिन आप यह दावा भी कैसे कर सकते हैं? उसे एक आदमी घसीटकर भरी सभा में लाता है और इतने सारे लोगों के सामने निर्वस्त्र करने के लिए छोड़ देता है। एक महिला का क्या शील बचा? आपने क्या बचाया? अगर आपने संकट के समय अपनों की मदद नहीं की, तो आपको आपाद बांधव कैसे कहा जा सकता है? बताइए, आपने संकट के समय में मदद नहीं की तो क्या फायदा? क्या यही धर्म है? इन प्रश्नों को पूछते पूछते उद्धव का गला रुंद गया और उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। ये अकेले उद्धव के प्रश्न नहीं हैं। महाभारत पढ़ते समय हर एक के मनोमस्तिष्क में ये सवाल उठते हैं। उद्धव ने हम लोगों की ओर से ही श्री कृष्ण से ये उक्त प्रश्न किए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, प्रिय उद्धव, यह सृष्टि का नियम है कि विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन के पास विवेक था, धर्मराज के पास नहीं। यही कारण रहा कि धर्मराज पराजित हुए। उद्धव को हैरान परेशान देखकर कृष्ण आगे बोले, दुर्योधन के पास जुआ खेलने के लिए पैसा और धन तो बहुत था, लेकिन उसे पासों का खेल खेलना नहीं आता था। इसीलिए उसने अपने मामा शकुनि का ध्रुत क्रीड़ा के लिए उपयोग किया। यही विवेक है। धर्मराज भी इस प्रकार सोच सकते थे और अपने चचेरे भाई यानी मुझसे ये पेशकश कर सकते थे कि उनकी तरफ से मैं खेलूं। जरा विचार करो कि अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? पासे के अंक उसके अनुसार आते या मेरे अनुसार? चलो, इस बात को जाने दो। उन्होंने मुझे खेल में शामिल नहीं किया, इस बात के लिए उन्हें माफ किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने विवेक शून्यता से एक और बड़ी गलती की, और वह यह है कि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक कि मुझे बुलाया ना जाए, क्योंकि वे अपने दुर्भाग्य से खेल मुझसे छुपकर खेलना चाहते थे। वे नहीं चाहते थे मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। इस प्रकार उन्होंने मुझे अपनी प्रार्थना से बांध दिया। मुझे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद भी मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था कि कब मुझे कोई बुलाता है। भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सब मुझे भूल गए, बस अपने भाग्य और दुर्योधन को कोसते रहे। अपने भाई के आदेश पर जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया, द्रौपदी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूझती रही, तब भी मुझे किसी ने नहीं पुकारा, द्रौपदी ने भी नहीं पुकारा। उसकी बुद्धि तब जागृत हुई जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया। जब उसने स्वयं पर निर्भरता छोड़कर हरि हरि अभ्यम कृष्णा अभ्यम की गुहार लगाई, तब मुझे उसके शील की रक्षा का अवसर मिला। जैसे ही मुझे पुकारा गया, मैं विलंब पहुंच गया। अब इस स्थिति में मेरी गलती बताओ। तो इस पर उद्धव बोले, काना,
आपका स्पष्टीकरण प्रभावशाली आवश्यक है, किंतु मुझे पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ? कृष्ण की अनुमति से उद्धव ने पूछा, इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा। क्या संकट से घिरे अपने भक्त की मदद करने आप स्वयं नहीं आ सकते? कृष्ण मुस्कुराए, उद्धव, इस सृष्टि में हर एक का जीवन उसके स्वयं के कर्म फल के आधार पर संचालित होता है। ना तो मैं इसे चलाता हूं और ना ही इसमें कोई हस्तक्षेप करता हूं। मैं केवल एक साक्षी हूं। मैं सदैव तुम्हारे नजदीक रहकर जो हो रहा है उसे देखता हूं। यही ईश्वर का धर्म है। वाह वाह, बहुत अच्छा कृष्ण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप हमारे नजदीक खड़े रहकर हमारे सभी दुष्कर्मों का निरीक्षण करते रहोगे? हर पाप पर पाप करते रहेंगे हम, और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहोगे? आप क्या चाहते? हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमें साक्षी बनकर देखते रहेंगे? आप क्या चाहते हैं कि हम भूल करते रहें, पाप की गठड़ी बांधते रहें और उसका फल भुगतते रहें? उल्हाना देते हुए उद्धव ने पूछा। तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम शब्दों के गहरे अर्थ को समझो। जब तुम समझकर अनुभव कर लोगे कि मैं तुम्हारे नजदीक साक्षी के रूप में हर पल हूं, तो क्या तुम कुछ भी गलत या बुरा कर सकोगे? तुम निश्चित रूप से कुछ भी बुरा नहीं कर सकोगे। जब तुम यह भूल जाते हो और यह समझने लगते हो कि मुझसे छुपकर कुछ भी करा जा सकता है, तुम कुछ भी कर सकते हो, तभी तुम मुसीबत में फंसते हो। शिवोम।